आज बीसीसीएल और निशान हॉस्पिटल द्वारा आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। जांच शिविर में आए लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा, कुछ चहेते लोगों को ही यहां बेहतर सुविधा दी जा रही है। लोगों ने जांच करने आए डॉक्टर पर भी महंगे दवा लिखने का आरोप लगाया। वही इस जाँच तो आपको क्या बोला दवा जो लिखा गया तो दवा के बारे में क्या बोला बाहर से कहाँ से लिया जाएगा पैसा कहाँ से जैसे जब यहाँ शुरू में चलो जो हॉस्पिटल के प्रतिनिधि आए हैं वो भी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कोई सहयोग नहीं कर रहा अपना पूरा परिचय दीजिए। आई महिलाओं ने भी प्रबंधन द्वारा आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में कुव्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हम लोग सुबह से आए हुए हैं पर अभी तक हम लोग कहाँ जाए इस चीज की जानकारी नहीं मिल पाई है। सुनता नहीं सब अपने आदमी करता है कोई नहीं सुन रहा नहीं डॉक्टर साहब यहाँ का विशेषज्ञ का विशेषज्ञ का डॉक्टर से तो बोले तो बोलता है कि जाइए हार्ट वाला डॉक्टर वहाँ गए तो बोलता है कि ECG करा के आओ। बहुत परेशान एक बज गया हम लोग को खाना भी नहीं बना खाना भी नहीं बनाया घर में क्या करें इन लोग कोई सुनवाई नहीं है दर्द के लिए बस जमा करवा ले रहे हैं बस इधर उधर कोई नाम नंबर नहीं आ रहा है चुटका लिखने गए तो एक घंटा खड़ा हुए तो चुटका लिखाया लोग आप लोगों का दवा आप लोगों का चेकअप होगा पूरा भी था कहाँ हुआ अभी नंबरे लगाए हैं 10 बजे से मैं तो सही बोला कहाँ हुआ कहीं से ही बताया नहीं जा रहा कहाँ हम लोग खूब दूर से आए हैं जिसका जान पहचान है उसी को देखा जा रहा है उसको दवा मिल रहा है समझे जिसको जान पहचान नहीं है उसको नहीं कुछ मिल रहा है अपना अपना स्टाफ दिखा रहे हैं हमको गला में बहुत अथी गोली नहीं निकलता गला दबल है तब चिट्ठा वहाँ जमा किया जा रहा है तो यहाँ का विशेषज्ञ डॉक्टर सहयोग कर रहा है सुबह कितने बजे आए यहाँ पर हम आए 7 बजे 7 बजे अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ कोई काम नहीं हुआ इनको करवा लेंगे एक फीमेल को रहना पड़ेगा तो उनको कर देंगे डॉक्टर को फीमेल अगर होगा इधर से नर्स को प्रोवाइड करेंगे इधर से जो सिस्टर थे उनको उधर से हाँ सिस्टर को जो जो डॉक्टर बोलेंगे जो जो घर पर सिस्टर वही राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर संघ के बालकेश्वर सिंह ने कहा कि इस तरह की जांच शिविर सिर्फ छलावा है। यहाँ ये सिस्टम लागू किया गया है निःशुल्क सेवा करने के लिए जिसका खाना पूरी हो रहा है सही ढंग का कोई काम नहीं हो रहा है और खास खास लोगों को अपने चहेते लोगों को बुला बुला कर दिखा रहे हैं उसका ECG हो रहा है कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है बहुत ऐसे मरीज आए हैं जो बेचारे घूम रहे हैं उसका कोई उचित व्यवस्था नहीं है और इधर से इधर लोग मारे चल रहे हैं घूम रहे हैं डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं इनसे बोलते हैं इसके पहले जो लगा था यहाँ उसमें भी वही हाल था और सुबह में इसके चलते हल्ला भी हुआ मजदूर हंगामा किए मरीज लोग हंगामा किया कि भाई सिस्टम जो है उस सिस्टम में हम लोग को इलाज किया जाए बिना सिस्टम के काम हो रहा था जब हल्ला हुआ तो सिस्टम में आया सिस्टम में आने के बाद देखा जा रहा है चेक किया जा रहा है केवल ECG हो रहा है बाकी कुछ नहीं हो रहा है और एक पुड़िया दवाई किसी मरीजों को नहीं दिया जा रहा मरीज परेशान है इसमें उधर से उधर उधर से उधर घूम रहे हैं घूमने के बाद भी मजदूरों को मरीजों को जो मिलना चाहिए जो इलाज होना चाहिए उसमें उसका व्यवस्था उचित नहीं है जो बोर्ड में लिखा हो कुछ नहीं हुआ यहाँ बोर्ड में जो लिखा हुआ है उस मुताबिक कहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो क्या CSR के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ये दुरुपयोग एकदम सही ढंग से हो रहा है खाना पूर्ति हो रहा है दुरुपयोग हो रहा है ये लूट मचा हुआ है इस नाम पर लूट मचा हुआ है जैसे पाओ इसे लूट लो जैसे नोट के साथ जैसे काफी नंबर तैयार किया हुआ है तो आपको क्या लगा कि CSR का काला पत्र जैसे नोट के साथ ये बजट मिला ये दोनों दिन जो यहाँ सीट लगा है फॉल्स है सर एकदम फॉल्स है
शिवरात्रि के यहाँ तौली बांटा जा रहा है, गमछा बांटा जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, ये कोई मतलब है यहाँ? सबको देखो एक तरह से, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप में मरीज को कुछ को कुछ कुछ को कुछ, ऐसा नहीं, एक जैसा देखो मरीज सब है, सबों को इलाज सही होनी चाहिए। कितना दूर से बेचारे अपना खेवा खर्चा गाड़ी भाड़ा करके लेकर के आए हैं, छः घंटा सात घंटा से बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि इधर से उधर उथल पतल मचा हुआ, कहीं कुछ नहीं है। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम बालकेश्वर सिंह हुआ, जयरामपुर कुलेरी, राष्ट्रीय कुलेरी मजदूर संघ का अध्यक्ष है। यही ऐसा कोई कुछ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग उन लोगों का टारगेट था कि 100 से 150 अंदर मरीज आएगा, हमारा 300 से पार हो गया है, 350 लगभग होने जा रहा है और धीरे धीरे सब चेलाइज हो रहा है। हमारे डॉक्टर मिश्रा सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। दवाई जो लिखी जा रही है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ड्रग टू आउटसाइड पेशेंट्स, हम लोग सिर्फ जांच करा रहे हैं। ठीक है, ये एक स्क्रीनिंग एक्चुअली है ना, दिस इज स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट्स। ओके।